हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल बाजीराव स्पेशल पे। जैसे आज आप लोग को बताना चाहते हैं कि हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का जो क्वेश्चन बैंक है उसको लेकर के आए हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, कोई भी भविष्य का तैयारी करना है तो उसके लिए पहले भूतकाल का जानना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को लेकर के आए। तो क्वेश्चन बैंक में टोटल 12 सेट है। 12 सेट में सबसे पहले हम लोग को देखना है, देखेंगे क्या बिहार कर्मचारी चयन आयोग का स्नातक स्तरीय का है जो 18/12/2011 को हुआ था, उस सेट को सबसे पहले देखेंगे। ये उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह खड़गवासला में है। कहाँ है? खड़गवासला में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया, तो उस समय कौन थे? यह तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे। यह जो हम लोग क्वेश्चन अभी डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन जो बता रहे हैं, ये कब का है? 2011 का है। थर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1929 में किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी, कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो महात्मा गांधी से कौन सा जुड़ा हुआ है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, जो आर्टिकल 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? यह कांस्य युग से, कांस्य युग से। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? एक जाएगा। नेक्स्ट है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, तो भारत तथा चीन के बीच सीमा कौन सी रेखा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, जो 1914 में बनाया गया था, बंटवारा हुआ था। देखिए फिर थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? तो ये सब देखते देखिए, बांग्लादेश का बनना, बांग्लादेश कब बना था? 1971 में। कब बना था? 1971 में बना था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो 1975 में। फिर देखिए पोखरण फर्स्ट परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में। फिर देखिए SLV-3 लॉन्च हुआ था, ये कब हुआ था? 2001 में हुआ था। तो देखिए इस अनुसार से हम क्रम निकाल सकते हैं, सबसे पहले कौन जाएगा? बी, उसके बाद जाएगा सबसे पहले 2, 4, उसके बाद 3, 1। 2, 4, 3, 1 ऑप्शन कौन है? एक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? एक जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा? एक। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा किससे गुजरती है? तो यह देखिए, कोलंबिया है, केन्या है और इंडोनेशिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी जाएगा। फिर देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत का भ्रमण किया था। चीनी यात्री कब भ्रमण किया था? ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। देखिए यहाँ पे है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्ष, से ही ह्वेन होता है, ह्वेन हा से ही हर्षवर्धन, इसको इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, संपूर्ण क्रांति का आह्वान कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इनका जन्म कब हुआ था? 1902 में हुआ था। इनको मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो यह विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो ए पी जे अब्दुल कलाम। फिर देखिएगा नेक्स्ट है, भाखड़ा नंगर बांध स्थित है,
भाखड़ा नंगल बांध स्थित है कहाँ पर है? तो यह भाखड़ा नंगल या सतलुज नदी पर है। किस पर है? सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कल्हण द्वारा रचित रात तरंगनी का वर्णन है। तो रात तरंग कल्हण का किसके बारे में बताया गया है? तो यह कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828। फिर देखिए, मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो यह फ्रांस और जर्मनी के बीच है। किसके बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से है? तो यह चीन से है। कहाँ से है? चीन से है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कहाँ से अंगीकार किया है? तो कहाँ से अंगीकार किया गया है? तो यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यह किसने अपनाया था? इसका डिजाइन कौन तैयार किया था? तो पिंगली विनायका ने डिजाइन तैयार किया था। लागू कब हुआ था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो पहली बार कब गाया गया था? 1911 में। कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं। तो श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल है। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए, दुनिया का नवीनतम देश है। तो दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान गणतंत्र। कौन है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए जाएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश, तो न्यूनतम सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो बिहार में। कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी उस समय की राजधानी का क्या नाम है? तो उस समय राजधानी क्या था भारतीय सम्राट अशोक का? तो पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, संबंधित है। कहाँ से है? तो बिहार से थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, अभी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य कौन नहीं है? जिसमें बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है, वियतनाम भी है, ब्रुनेल दारुसलाम भी है, म्यांमार भी सब सदस्य है, केवल बांग्लादेश को छोड़ के। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। प्रथम राष्ट्रपति कहाँ के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो बिहार से। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं कब का है? या 2013 के पेपर का है। 2011 के पेपर का है, 2011 का है। इसलिए बेहद आसान है, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, मगर थोड़ा सा टफ, मतलब इसी में थोड़ा सा डिफिकल्ट देने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट देखिए, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? जब 1946 में जब सरकार गठित हुआ था, उस समय यह किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद एवं कृषि मंत्री थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के हैं, तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। सब वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कट लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित से कौन सा है? तो सबसे पहले कार्बन कर कौन सा देश लगाया था? तो वह न्यूजीलैंड। अब यह न्यूजीलैंड यही देश है जो प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान का उल्लेखनीय उन्नति की? तो कब हुआ था? यह 2005 के बाद। तो यह फास्ट बीटर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फास्ट बीटर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन ईंधन का पुनर
साधनीकरण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे पहले इच्छा मृत्यु कहाँ दिया गया था, यह नीदरलैंड में दिया गया था। कहाँ दिया गया था, नीदरलैंड में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान का अनुपालन में स्थापित किया गया। किसको स्थापित किया गया था, तो चुनाव आयोग को स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल यानी वॉकर कप प्रदान किया जाता है। तो किसमें प्रदान किया जाता है, तो यह मुक्केबाजी में प्रदान किया जाता है। किसमें, मुक्केबाजी में प्रदान किया जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला में से किनके बीच में स्थित है, किसके बीच में स्थित है, तो कौन सा नगर तक्षशिला, तो यह सिंधु तथा झेलम के बीच है, सिंधु और झेलम के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ, तो यह कौन सा था, सन्यासी विद्रोह था। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है। तो देखते हैं सबसे पहले महानदी, महानदी का उद्गम कहाँ से है, तो यह छत्तीसगढ़ से, बिल्कुल सही। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है, यह महाराष्ट्र से है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश नहीं है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश नहीं है, क्या है, कर्नाटक है। क्या है, कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक। और ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है, मध्य प्रदेश, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन सा है, तो क्या है, गंगूबाई हंगल, क्या है, गंगूबाई हंगल थी शास्त्रीय गायक। नेक्स्ट है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक विख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है, किसके अनुभवों पर आधारित है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक, तो यह स्वामी विवेकानंद, किसके, स्वामी विवेकानंद। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये किनको माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित से किससे संबंधित है, श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित है, तो उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है, किससे, परमाणु ऊर्जा आयोग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, तो स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, तो पुणे में। नेक्स्ट है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े थे, हॉलीवुड से कौन जुड़े थे, या लिएंडर पेस थे, 2005 में ही जुड़े थे। लव निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है, तो लव किस खेल से, तो यह टेनिस से संबंधित है, किससे है, टेनिस से। नेक्स्ट है, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्न से किस देश में आयोजित किए जाएंगे, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, तो यह स्कॉटलैंड में, उस समय पहले से प्रस्तावित था। वृंदावन गार्डन स्थित है, वृंदावन कहाँ पर है, तो यह कहाँ है, यह मैसूर में, कहाँ है, मैसूर में। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, तो उस समय का क्वेश्चन है, 2011 में तक उस समय बिहार था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है,
तो कौन है? टेनिस क्लासिक ग्रेग जॉन्स, ऑप्शन नंबर बी जाएंगे। नेक्स्ट है श्री एच आर भारद्वाज राजपाल हैं, तो उस समय 2011 में कौन थे? कि यहाँ कर्नाटक के थे। कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो मैथ का क्वेश्चन है, फिर हम लोग आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? एवियन फ्लू वायरस किसको कहते हैं? तो हम लोग H5N1। नेक्स्ट है मोबाइल सिम कार्ड का सिम का अर्थ है, तो कौन सा आया था? सब्सक्राइबर आईडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा भारी पिंड सायकाल रात्रि में अवकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो सबसे अधिक कौन सा चमकता है? तो वह शुक्र। नेक्स्ट है समुद्रीय शीतल पवन बहती है, समुद्रीय शीतल पवन कहाँ बहती है? तो यह दिन में समुद्र से भूमि की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। नेक्स्ट है 58 नंबर देखना है। 58 नंबर देखिए, यदि एक पेंडुलम दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, तो घड़ी क्या हो जाएगी? तो सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट है जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच से होकर गुजरती है तो कौन सा परिवर्त प्रभावित होंगे? कौन सा परिवर्त प्रभावित होंगे? केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग, केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग प्रभावित होते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए ये तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया है, सब बता दें एक पिंड कुल दूरी का आधा वेग वेग V1 है, V1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग V2 से करता है, तो उस पिंड का औसत वेग कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 2V1V2 और बटे V1 + V2, तो ऑप्शन और क्या जाएगा? डी जाएगा। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? क्रिस्टल संरचना के लिए किया जाता है, क्योंकि क्या हो जाएगा? तो इसका एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल और अणु अंतर परमाणु की दूरी की परमाणु की कोटि समान होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मनुष्य में नेत्र में रेटिना पर प्रतिबंध बनता है, तो मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबंध बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा, कैसा? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबंध बनता है। नेक्स्ट है सीमेंट के गाइडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लंकर चून में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है, तो जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है? तो क्या रहेगा उसका? सेटिंग की दर को मंदित करना, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ये प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन होता है। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसमें मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है उसको क्या बोलते हैं? तो -40 डिग्री बोलते हैं उसको। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या, तो यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुजों की संख्या क्या है? तो देखिए इसमें बताइए आप क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अगर कमेंट बॉक्स में बताइए सर इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्या होगा? 24, 22, 20 या 18, इसमें देख के बताइएगा कितना त्रिभुज आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो मंदक का काम कौन सा करता है? ओजोन है, भारी हाइड्रोजन है, भारी जल, तो मंदक का काम कौन करता है? तो भारी जल काम करता है।
नेक्स्ट है एक MN तीन पूर्णांकों का गुणनफल -175 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए? इसमें ऋणात्मक कौन हो जाएगा? तो देखिए एक एम बटे एन, तो ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, सब मैथ का क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ फिर जी एस, देखिए प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक कौन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर आ गया 82, एस्बेस्टस के कारण होने वाली प्रमुख रोग है, तो एस्बेस्टस के कारण कौन सी प्रमुख रोग होता है? तो कौन सा होता है? तो वह एम्फेसेमा, एम्फेसेमा ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन किस पर उत्पादित होते हैं? पिनक्रियाज मतलब अग्नाशय पर। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ, तो पैरों की हड्डियाँ कौन है? फिबुला तथा टीबिया, फिबुला तथा टीबिया ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा होता है? था नाइट ब्लाइंडनेस, कौन होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए सब मैथ्स का क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे जीएस है। वायु का वेग संबंधित, तो वायु का वेग किससे संबंधित? तो ये दाब से, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो अधिविक ग्रंथि से, अधिविक ग्रंथि से। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, तो कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? धूल कणों से, हार्डवेयर से, प्रोग्राम से, तो यह सभी से, इन सभी से हो जाएगा तीनों। नेक्स्ट है अधातुए समानता विद्युत का कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि, क्यों है? क्योंकि इसमें देखिएगा शिथिलता बुध इलेक्ट्रॉन होते हैं, शिथिलता बुध क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अब जीएस का क्वेश्चन नहीं है, संभवतः इतना ही पे हम लोग ख़त्म करना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, आपका स्कोर अगर बनाते हैं तो कितना आता है, और त्रिभुज के बारे में जो बताए हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।